हेलो लर्नर्स, इससे पहले कि आज के टॉपिक में मैं आपको ले जाऊं, मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि मेटामॉर्फोसिस ने एक बहुत ही गज़ब का अचीवमेंट किया है। और वो अचीवमेंट यह है कि एलटी इंग्लिश की जितनी भी वैकेंसी थी उसमें हम लोगों ने क्लीन स्वीप किया है और उत्तराखंड में हम उभरे हैं एक बिल्कुल अलग तरीके के इंस्टीट्यूट के तौर पर। और हमने 52+ सीटें हासिल की हैं, जिसमें मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं। और जल्दी ही मैं उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करता हुआ एक वीडियो ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। और चलते हैं अब आज के टॉपिक में। अभी तक जब मैंने लिटरेचर की सीरीज़ शुरू की थी तो मैंने बोला था कि हम लोग एक सीरीज़ ऐसी लेके आ रहे हैं जो बारी बारी पूरे हर कंपटीशन की नीड को पूरा करेगा, चाहे वो नेट हो, एलटी हो या लेक्चरर हो या किसी भी तरीके का कंपटीशन हो। और उसमें हम एंग्लो सेक्शन एज, उसके हिस्टोरिकल और कल्चर बैकग्राउंड और लिटरेचर पे बात कर चुके हैं। तो आज चलेंगे हम एंग्लो नॉर्मन एज, जो कि बाद में आती है उसके, और 1066 से हम पूरा मान सकते हैं उसे 1350 तक। हालांकि चौसर की एज 1340 से मानी जाती है, लेकिन एंग्लो नॉर्मन एज 1350 तक पूरी मानी जाती है। तो इस एज के बारे में चलते हैं बिल्कुल आराम से, फिर से दो वीडियोस में डिस्कस करने। तो चलिए आपको ले चलता हूँ लेक्चर की ओर। हाय लर्नर्स, तो तैयार हैं आप? तो शुरू करते हैं कि एंग्लो नॉर्मन एज। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि एंग्लो नॉर्मन एज, एंग्लो नॉर्मन्स क्यों कहलाई और नॉर्मन्स कौन लोग थे और इसको किस तरीके से हम बैकग्राउंड को इसको समझें। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले एंजल्स, जूट और सेक्सन्स लोगों ने इंग्लैंड पे हमला किया था और वो यहाँ बस गए थे। और पूरी आपको बैकग्राउंड की जानकारी पिछले वीडियोस में दी थी। तो आज चलते हैं हम नॉर्मन्स की ओर। नॉर्मन्स बेसिकली नॉर्थमैन कहे जाते हैं और ये नॉर्थमैन फ्रांस से आए थे, तो इनका ओरिजिन ऑफ फ्रांस मानिए। और फ्रांस में नॉर्मेंडी के इलाके में रहने वाले नॉर्मन्स ने इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके इंग्लैंड के अंदर अटैक किया। और जब ये अटैक इंग्लैंड के अंदर हुआ, इन्होंने यहाँ का पूरा एरिया जीत लिया और वहाँ से नॉर्मन्स का यहाँ सेटलमेंट शुरू हुआ था। अब बात आती है कि नॉर्मन्स के आने से पहले क्या सिचुएशन थी और बाद में क्या सिचुएशन इसमें हो जाती है। देखिए, नॉर्मन से आने से पहले और बाद में जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो तीन क्षेत्र में हमें मिलता है। एक है सोशल चेंज, दूसरा लिटरेरी चेंज और तीसरा है आपका पॉलिटिकल चेंज। तो सबसे पहले बात करूंगा कि जब नॉर्मेंडी से ये लोग आए तो इनका लीडर कौन था जिसने इंग्लैंड में हमले करने का साहस किया। और इनके लीडर का नाम है विलियम द कॉन्करर। और विलियम द कॉन्करर ने 1066 में इंग्लिश चैनल क्रॉस करके जब यहाँ हमला बोला, उस वक्त इंग्लैंड में जो मौजूदा राजा थे उनका नाम था किंग हैरोल्ड। तो आप ये भी कह सकते हैं कि किंग हैरोल्ड एंग्लो सेक्शन एज के लास्ट राजा थे, क्योंकि उनके बाद एक नई एज आपके सामने आती है और वो है एंग्लो नॉर्मन्स। तो विलियम द कॉन्करर ने 1066 में यहाँ जैसे ही जितने भी नॉर्मन्स को लेके यहाँ कब्जा किया, वहां से शुरू होती है एंग्लो नॉर्मन एज। एंग्लो इंग्लिश को दिखाता है और नॉर्मन्स नॉर्मन के प्रभाव को दिखाता है, जो कि फ्रांस के निवासी थे नॉर्मेंडी के। तो इस तरीके से ये इसका नाम एंग्लो नॉर्मन माना गया है। दूसरी बात, क्योंकि ये फ्रांस के थे तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस का पूरा कल्चर इम्पैक्ट और पूरा लैंग्वेज का प्रभाव अब यहाँ पड़ने वाला था। तो जैसे ही ये लोग यहाँ सेटल होते हैं तो इनके आते ही सबसे पहली बात ये होती है कि पूरी सोसाइटी में फ्रेंच एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह अडॉप्ट कर ली जाती है। क्योंकि ये लोग जब यहाँ आते हैं तो उस समय यहाँ थी मौजूद पहले से जो लैटिन थी और एंग्लो सैक्सन भाषा थी, और लेकिन जैसे ही ये आते हैं तो फ्रांस ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है और उस समय मौजूद अब तीन लैंग्वेजेस में हम कह सकते हैं ओल्ड इंग्लिश, लैटिन और फ्रांस। इसमें दबदबा किसका रहा बात करते हैं। तो जैसे ये लोग आए तो इंग्लैंड के अंदर दो चेंजेस हुए। सबसे पहली बात कि इंग्लैंड एक खास मोड से, जो आप देखते थे कि हर चीज उस समय जो पहले पूरी शिवैलरिक थी, वॉरियर बेस्ड लिटरेचर लिखा जाता था, उस मोड से लेके इंग्लैंड सीधे एक मोड में आता है जिसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड मोड। यानी कि पहली बार यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टैब्लिश होती है और इस वजह से
अब इंग्लैंड आता है नेशनल आइडेंटिटी वाले मोड में और नेशनलिज्म की स्पिरिट पहली बार होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सेंट्रलाइज्ड कोई पावर होती है तो लोगों का जो लॉयलिटी है उस पावर के लिए, फेथ है, वो बढ़ जाता है। सोसाइटी में एक इंग्लैंड सेंट्रलाइज्ड होने की ओर बढ़ा और पूरी जगह पे एक छत्र राज्य स्थापित हुआ और सारी चीज़ों को हमने बहुत ही तरीके से सेंट्रलाइज किया। तो पहली बात, यहाँ नेशनलिटी और नेशन की स्पिरिट पैदा हुई। और जब भी नेशनल स्पिरिट कहीं पैदा होती है तो सबसे ज्यादा जिस लिटरेचर का विकास होता है वो होती है हिस्ट्री। तो यहां पर हिस्ट्री का डेवलपमेंट आगे आप देखेंगे कि कैसे होता है और भी चीजों का। उससे पहले हम एक और मुद्दे पे बात करेंगे। कुछ चीजें ऐसी थी जो एक इस फ्रेंच एंग्लो नॉर्मन्स के टाइम पे स्टार्ट होती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ओल्ड इंग्लिश है वो ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश का रूप लेती है। अब प्रश्न ये उठता है लिटरेचर के विद्यार्थियों के लिए कि ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश में फर्क क्या है। देखिए, जो ओल्ड इंग्लिश थी जो एंग्लो सेक्शंस के जमाने में चली आ रही थी उसे ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, जो कि मैं बता चुका हूं। उसमें आप प्लस कर दीजिए यानी ऐड कर दीजिए फ्रेंच भाषा, तो फॉर्मूला बना ओल्ड इंग्लिश प्लस फ्रेंच इक्वल टू आप कह सकते हैं मिडिल इंग्लिश। यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश मौजूद थी उसमें जब फ्रेंच का एमलगमेशन हुआ तो आई मिडिल इंग्लिश। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा और हर एक लिटरेचर के विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मिडिल एज का परास या रेंज सबसे लंबी रही है और मिडिल इंग्लिश 1066 से लेके 1550 तक चली है, यानी कि शेक्सपियरियन एज या एलिजाबेथन एज के आने से थोड़ा पहले। तो ये सबसे लंबा टाइम रहा है। और अगर मैं मिडिल इंग्लिश के भी डिविजन करूं तो आप कह सकते हैं मिडिल इंग्लिश है प्री चौस एंग्लो नॉर्मन्स, प्री चौसेरियन एंड पोस्ट चौसेरियन, तो तीन डिवीजन इसमें भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से मिडिल इंग्लिश का प्रादुर्भाव हुआ यहाँ पे। और दूसरी चीज जो इम्पॉर्टेंट है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी जो महान यूनिवर्सिटी हैं वो इसी दौर पर स्थापित हुई। और अगर हम बात करें तो 1167 में हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है और 1209 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है, जो इसी एज का एक अभिन्न अंग है। दूसरी चीज जो है वो समाज के अंदर पॉलिटिकली हमने क्या फ्रांस से उधार लिया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्यूडलिज्म, जिसे हम हिंदी में सामंतवाद कहते हैं, फ्यूडलिज्म फ्रांस से आया है इंग्लैंड के अंदर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म इंग्लैंड में जो स्थापित करने में हाथ है वो एंग्लो नॉर्मन्स का है और वो फ्रांस से यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है। तो फ्रांस वो देश है जिसने इंग्लैंड के अंदर फ्यूडलिज्म शुरू किया। प्रश्न ये उठता है फ्यूडलिज्म या सामंतवाद क्या है। सामंतवाद को अगर सरल शब्दों में कहें तो सोसाइटी के अंदर एक हायरार्कल जो होता है क्रमवार ऊंचाई से लेकर निम्न क्रम में जब लोगों का सेगमेंटेशन होता है उसे फ्यूडलिज्म कहते हैं, जिसमें अपर क्लास लोअर क्लास को ज्यादातर एक्सप्लॉइट करता है। तो सबसे ऊपर किंग और चर्च जो होते थे और लास्ट में जो है ड्यूक और जो है नाइट्स और जितने नोबल्स और इन सबसे होते हुए लास्ट में लैंडलॉर्ड और इन सबसे होते हुए सबसे नीचे होते थे वर्कर्स या किसान लोग, जिनका हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो ये फ्यूडलिज्म जो इंग्लैंड में आगे भी जारी रहेगा उसको फ्रांस ने ला के यहाँ दिया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर कंपटीशन के लिए कि फ्यूडलिज्म वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड आउट ऑफ द फ्रेंच इन्फ्लुएंस और एंग्लो नॉर्मन्स इन्फ्लुएंस। अब बात आती है कि इसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें हुई जिस पर हमें डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे पहली एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आती है कि इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कह सकते हैं, यानी संक्रमण काल। ये संक्रमण काल क्या था, देखिए ये है ओल्ड इंग्लिश और ये है मॉडर्न इंग्लिश, इसके बीच में जो संक्रमण काल रहा है इसको चेंज करते वक्त वो मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश का दौर रहा है और इसने देखा है दोनों कालों को जोड़ने का काम इसने किया है जो हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड है। इसके अलावा जब यहाँ जो भी लिटरेचर लिखा गया वो तीन हिस्सों में बटा, और उन तीन हिस्सों को अगर आप बात करें तो कह सकते हैं नंबर एक हिस्ट्री, जिसमें ऐतिहासिक चीज़ें लिखी गई, नंबर दो रोमांस, जिसमें आपके काल्पनिक चीज़ें लिखी गई जिसको हम दूसरे वाले हिस्से में बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं, और नंबर थ्री था आपके रोमांसेस के बाद, नंबर चौथा था, तीसरी चीज थी शिवैलरी। शिवैलरी होती है वीरता। तो यहाँ जो है नाइटहुड को बहुत ज़्यादा आपका ये दिया जाता था इम्पोर्टेंस, क्यों, क्योंकि नाइटहुड एक वॉरियर्स को लेता था और वॉरियर्स के जितने भी
जितनी भी चीज़ें हैं या जितने भी स्टोरीज़ हैं एडवेंचर्स की और वॉर्स की और हीरोइक डीड्स की, वो सारी लोगों को बड़ा एक्साइट करती थी। तो जितना भी शिवैलरिक नेचर का लिटरेचर है वो भी यहाँ पर आया है। और शिवैलरिक नेचर के लिटरेचर में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती थी, इसमें जादू भरी कहानियाँ होती थी, नाइटहुड बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता था लोगों को। और इसमें जो है बड़े एडवेंचर्स की कहानियाँ, वीरता की कहानियाँ हैं, जादुई शक्तियों की कहानियाँ, मॉन्स्टर की कहानियाँ हैं और मॉन्स्टर से लड़ने की कहानियाँ हैं। तो इस तरीके से ये सब लोगों को आकर्षित करता था। तो ये तीन चीज़ जो हिस्ट्री थी, जो आपका रोमांस थे और रोमांसेस को भी खासकर मैट्रिकल रोमांस कहा जाता है, और तीसरी जो चीज़ थी शिवैलरिक नेचर का लिटरेचर, वो आने में इसने पूरी सहायता की। तो ये आपका जो बैकग्राउंड था एंग्लो नॉर्मन एज का था। और इसके बाद जो हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम टोटली लिटरेचर की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की सोसाइटी होती है वो लिटरेचर को उसी तरीके से प्रभावित करती है, आप जानते हैं। तो आखिर इस तरीके की सोसाइटी ने कैसा लिटरेचर प्रोड्यूस किया होगा, और जिन हिस्ट्री रोमांस और शिवैलरिक लिटरेचर की हम बातें कर रहे हैं उनका स्वरूप कैसा रहा होगा, ये हम बात करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों, और देखते रहिए नागिंद्राज मेटामॉर्फोसिस, और आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।